नमस्कार, मैं दिव्या धरादत। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा को लेकर 21 जनवरी को गया में रहेंगे। सीएम 21 जनवरी को पटना से गया आएंगे। यहां दिन में उनके अलग अलग प्रखंडों में जाने का कार्यक्रम है। शाम में वे राजगीर के लिए रवाना हो जाएंगे। राजगीर में उनका रात्रि विश्राम होगा। इसके अगले दिन 22 जनवरी को सीएम नवादा में समाधान यात्रा पर रहेंगे। मुख्यमंत्री की यात्रा की संशोधित तिथियां जारी करते हुए संबंधित वरीय पदाधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई है। पहले गया में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम फरवरी में निर्धारित था, लेकिन जनवरी में तिथि घोषित होने पर यहां तैयारी तेज कर दी गई है। सीमा सुरक्षा बल के पूर्व महानिदेशक पंकज कुमार सिंह को भारत का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। राजस्थान कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी को 2 साल के लिए डिप्टी NSA बनाया गया है। BSF का प्रमुख रहते हुए उन्होंने भारत पाकिस्तान सीमा पर घुसपैठ को रोकने के लिए कई योगदान दिए हैं। सिंगापुर में स्वास्थ्य लाभ ले रहे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव तक यह बात पहुंच गई है कि बिहार में महागठबंधन पर उनके नेताओं के बयानों के कारण खतरा मंडरा रहा है। राजद जदयू में द्वंद्व हो रहा है, इसलिए अब पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह को राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। इस चिट्ठी का मजमून साफ है कि महागठबंधन को प्रभावित करने वाला कोई बयान राजद का कोई भी नेता नहीं दे। सुधाकर से 15 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए आगरा हवाई अड्डे से उड़ानों की संख्या बढ़ाने की अनुमति दे दी है। इस आदेश से धनौली में प्रस्तावित नए सिविल एनक्लेव को बनाने का उद्देश्य भी पूरा हो गया है। इस बदलाव के बाद खेरिया स्थित आगरा हवाई अड्डे से अब और उड़ानों की आवाजाही हो सकेगी। इसके लिए 55 एकड़ जमीन अधिग्रहित किए जा चुके हैं। राज्य के सभी नगर निकायों में अब नई नगर सरकार का गठन हो गया है। इन्हें अपने अपने क्षेत्रों में विकासात्मक योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए केंद्र की तरफ से 15वें वित्त आयोग से अब तक 786 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। कुछ दिनों पहले ही ये रुपए सभी नगर निकायों के खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1892 करोड़ की राशि देने का प्रावधान किया गया है। शेष राशि जारी नहीं के पीछे मुख्य वजह नगर निकायों की तरफ से उपयोगिता प्रमाण पत्र का जमा नहीं होना है। राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम पड़ाव के रूप में जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस की जम्मू कश्मीर इकाई की प्रवक्ता दीपिका पुष्कर नाथ ने कल मंगलवार को पूर्व मंत्री लाल सिंह को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की अनुमति दिए जाने की पार्टी आला कमान के फैसले का हवाला देते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। पुनपुन के राजस्व कर्मचारी अमित कुमार सिन्हा को DM ने 10,000 रिश्वत लेकर दाखिल खारिज करने में निलंबित कर दिया है। पुनपुन के अंचलाधिकारी कुमारी सुजाता पर भी 5,000 का जुर्माना लगाया है, साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई संचालित करने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कश्मीर की समस्या और आतंकवाद पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर समस्या तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम अपने पड़ोसी से बात नहीं करेंगे और इस मुद्दे का वास्तविक समाधान नहीं ढूंढते। उन्होंने कहा है कि जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक भारत प्रगति नहीं कर पाएगा और देश मजबूत नहीं हो पाएगा। राज्य के सभी 40 महिला थानों को तमाम मूलभूत सुविधाओं से लैस करने की कवायद शुरू हो गई है। पुलिस मुख्यालय ने इसकी समीक्षा शुरू कर दी है। इस वर्ष इन सभी थानों को 2-2 वाहन मिलेंगे। इससे गश्त के अलावा मामलों के अनुसंधान में भी तेजी आएगी। जिस महिला थाना में थाना प्रभारी महिला पदाधिकारी नहीं है, वहां हर हाल में महिला थाना प्रभारी की तैनाती होगी। हालांकि ऐसे थानों की संख्या 2-3 ही है। शेष सभी थानों में महिला प्रभारी की तैनाती कर दी गई है। आने वाले समय में इन सभी थानों में महिला बटालियन की आधी टुकड़ी भी तैनात की जाएगी। चेन्नई से तिरुचिरापल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट के एक पैसेंजर ने अचानक इमरजेंसी गेट खोल दिया। इस घटना के चलते फ्लाइट 2 घंटे लेट हो गई। अब इस मामले में एक बड़ी जानकारी सामने आई है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कथित तौर पर इंडिगो की फ्लाइट का दरवाजा बीजेपी सांसद और पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने खोला था। राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस को लेकर हवाई क्षेत्र प्रतिबंधों के कारण कुछ घरेलू उड़ानों को रद्द कर दिया गया। इंडिगो ने इसको लेकर जानकारी शेयर की कि 19 जनवरी 2023 से लेकर 26 जनवरी 2023 तक उड़ान पर प्रतिबंध रहेगा। इंडिगो ने बताया कि 19 जनवरी से 26 जनवरी तक सुबह 10:30 से लेकर दोपहर 12:45 तक फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगी। दुबई से 2 यात्री मंगलवार को करीब 8 किलोग्राम सोने के साथ मुंबई पहुंचे। इसकी कीमत 4.54 करोड़ रुपए बताई जा रही। दोनों यात्रियों द्वारा सोने को पेस्ट के रूप में ले जाने के आरोप में मुंबई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। राजस्व खुफिया निदेशालय ने कहा है कि मामले की जांच चल रही। नेपाल में हो रहे लगातार विमान हादसों से स्नैपडील के को फाउंडर कुणाल
बहल खौफ में और उन्होंने अपने ट्वीट में नेपाल की एयरलाइंस कंपनी के विमानों में व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि मुझे इस तरह के भयानक हादसे की आशंका थी। उन्होंने बताया कि कुछ साल पहले कैसे पोखरा के लिए उड़ान भरते समय उन्होंने विमान की खिड़की से हवा का फ्लो आते देखा था, जिसकी शिकायत करने के बाद भी उसकी अनदेखी की गई थी। इनमें उद्योगों को भारी नुकसान पहुंचा है और इसके चलते देश में बेरोजगारी भी खूब बढ़ रही है। महंगाई ने पहले ही वहां के लोगों की कमर तोड़ रखी है। डॉलर के मुकाबले चीन की मुद्रा कम हुई है। चीन की जीडीपी 2021 में 18,000 अरब डॉलर थी, जो बढ़ने के बजाय और कम हो गई है। वहीं दूसरी ओर भारत में विकास दर तेजी से बढ़ी है। आईएमएफ समेत नेशनल एजेंसियों ने भारत के तेजी से आर्थिक प्रगति करने की रिपोर्ट दी है। देश की चिकित्सा शिक्षा में इसी वर्ष लागू होने जा रही नेक्स्ट परीक्षा प्रक्रिया एमबीबीएस में दाखिल लेने के बाद 10 साल तक बार बार दी जा सकती है। साल में एक बार रेगुलर और पूरक परीक्षा होंगी। अगर रेगुलर परीक्षा में कोई छात्र फेल होता है या कम नंबर आते हैं तो वह उसी साल में होने वाली पूरक परीक्षा का हिस्सा बन सकता है, यानी एक वर्ष में छात्र को दो बार परीक्षा देने का अवसर प्राप्त होगा। इच्छा मृत्यु पर अपने ऐतिहासिक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने करीब 4.5 साल बाद कुछ संशोधन करने के संकेत दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि यह विधायिका पर निर्भर करता है कि वह गंभीर रूप से बीमार रोगियों के लिए कानून बनाए जो अपना इलाज नहीं कराना चाहते हैं, बस शांति से मरना चाहते हैं। लेकिन कानून और कोर्ट के 2018 में दिए आदेश और दिशा निर्देश उसे इसकी इजाजत नहीं देते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ से टीवी इंटरव्यू के जरिए शांति प्रस्ताव को भारत फिलहाल अधिक तवज्जो नहीं देते दिख रहा है। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक पाक प्रधानमंत्री ने विदेशी धरती पर दिए टीवी इंटरव्यू में भले ही बातचीत और शांति प्रयासों को लेकर कुछ बातें कही हों, लेकिन उनकी ही सरकार के भीतर दिए जा रहे कई बयानों में विरोधाभास नजर आ रहा है। पिछले कुछ समय से बीजेपी सांसद वरुण गांधी के कांग्रेस में जाने की अटकलों के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वरुण ने जिस विचारधारा को अपनाया मैं उसे स्वीकार नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी के कांग्रेस में जाने की अटकलें काफी तेज है। पिछले कुछ समय से वरुण गांधी बीजेपी की लगातार नीतियों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि वरुण गांधी बीजेपी छोड़ सकते हैं। मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान होशियारपुर की प्रेस वार्ता में एक सवाल के जवाब में राहुल गांधी ने वरुण गांधी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर सरकार द्वारा स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर लगाए बैन को सही ठहराया है। सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि ऐसी किसी भी संगठन को इजाजत नहीं दी जा सकती जो देश में इस्लामिक शासन की स्थापना करना चाहते हैं। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को अपने फैसले में कहा है कि सरकारी कर्मी पति की मौत के बाद एक विधवा द्वारा गोद ली गई संतान पारिवारिक पेंशन की हकदार नहीं होंगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 8 और 12 एक हिंदू महिला को अपने अधिकार में एक बेटे या बेटी को गोद लेने की अनुमति देती है जो नाबालिग या मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं हो। अदालत ने कहा कि कानून के प्रावधान के अनुसार एक हिंदू महिला पति की सहमति के बगैर गोद नहीं ले सकती। फिटमेंट फैक्टर का केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अहम रोल होता है। आखिरी बार जब इसे बढ़ाया गया था तो न्यूनतम सैलरी 6,000 रुपए से 18,000 रुपए हो गई थी। वहीं इस बार बजट में इसमें फिर से इजाफा होता है तो कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए हो जाएगी। नए वित्तीय वर्ष का बजट पेश होने से पहले सरकार आम आदमी को फायदा देने के लिए पूरी तैयारी कर रही है। इसी कड़ी में वित्त मंत्रालय ने जनधन मुद्रा विकास क्रेडिट कार्ड और पीएम स्वनिधि समेत अलग अलग सामाजिक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए पब्लिक सेक्टर के बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों की बैठक बुलाई है। सूत्रों ने बताया कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के साथ वित्त मंत्रालय की बैठक 19 जनवरी को होगी। बैठक में काफी हद तक वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध सिर्फ हथियारों से ही नहीं बल्कि बयानों से भी लड़ा जा रहा है। वहीं अब रूस ने यूक्रेन को समर्थन दे रहे ब्रिटेन को आड़े हाथ ले लिया है। ब्रिटेन के खिलाफ बयान देने के लिए रूस ने भारत का सहारा लिया है। रूस ने कहा है कि ब्रिटेन ने अपनी औपनिवेशिक नीतियों से भारत को असल मायने में नुकसान पहुंचाया है, इसी वजह से लाखों लोगों की मौत हुई है। रूस ने कहा कि साल 1880 से 1920 के बीच में भारत पर शासन करने के दौरान ब्रिटेन के कारण 10 करोड़ भारतीय पीड़ित हुए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम शांति से रहें, तरक्की करें या फिर एक दूसरे से झगड़ कर अपना समय और संसाधन बर्बाद करें। भारत के साथ हमारे 3 युद्ध हुए और इसमें गरीबी और बेरोजगारी ही आई है। पीएम ने यह भी कहा है कि हमने अपना सबक सीख लिया है, हम अब शांति से जीना चाहते हैं। शहबाज शरीफ के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर पीएम मोदी का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है,
जिसमें वह कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की सारी हेकरी निकाल दी है, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया है। आधार कार्ड के जरिए सरकार की तरफ से तमाम तरह की सुविधाएं और योजनाओं का फायदा देशवासियों को दिया जाता है। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें आधार कार्ड धारकों को 4.78 लाख रुपए का लोन देकर सरकार की तरफ से मुहैया कराने का दावा किया जा रहा है। इस मैसेज में कहा जा रहा है कि सरकार लोगों को आधार कार्ड के जरिए लोन दे रही है। इस मैसेज के साथ लोन के लिए अप्लाई करने का लिंक भी दिया गया है। वायरल हो रहे मैसेज का PIB फैक्ट चेक किया गया तो इससे जुड़ी हकीकत सामने आई है। यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। उस दिन पहले ICMR और सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बयान पर आधारित मीडिया रिपोर्ट सामने आई थी, जिसमें एक RTI के जवाब में देश के इन दो सरकारी संस्थानों ने कहा था कि कोरोना वैक्सीन के कई सारे साइड इफेक्ट हैं। रिपोर्ट में देश में लगने वाले सभी वैक्सीन के दुष्प्रभाव के बारे में बताया गया था, लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। मंत्रालय ने कहा है कि ये मीडिया रिपोर्ट गलत है और भ्रमित करने वाली जानकारी दे रही है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गौतम राम, निन्नू गोलू कुमार, संजय चौधरी, जुबैर आलम, अशरफी मंडल, रवि शंकर, अनवर करीम खान, मोहम्मद अंसारी, MD नौसाद रजा, राही राज, MD शाकिर हुसैन और बाबूलाल मरांडी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आशंका जताई जा रही है कि भारत इस वर्ष दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा, तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए भारत सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।